Hello, student. How are you? Hope you will be fine. So, student, welcome to our channel Rajashi classes. So, student, today in this video, we are going to learn third standard EVS chapter number one, Poonam's Day Out. So, this is the first lesson of this subject. Okay, so if you like this video, then like it, share it, and subscribe it. So, let me start the lesson Poonam's Day Out. So, in this lesson, we have to learn about animals हम्म hmm. so आह uh, let me start the lesson ma please let me go to the school today हम्म hmm. I have been at home for the past two days I am getting bored said punam तो punam जो है वो कह रही है अपनी माँ से कि आज मुझे जो है school जाने दो हम्म क्योंकि I have been at home for the past two days मैं दो दिनों से घर में बैठी हुई हूँ हम्म so I am getting bored हम्म तो आ बट यू स्टिल हैव फीवर गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉर्ट रिप्लाइड माँ लेकिन उसकी माँ कहती है कि अभी भी जो है वो फीवर है hmm? फीवर मतलब बुखार है सो गो आउटसाइड एंड लाए डाउन ऑन द कॉर्ट तो आप बाहर जाओ और कॉर्ट पे सो जाओ उसकी माँ ने उससे कहा सो so, पूनम फेल अस्लिप ऑन द कॉट तो पूनम जो है बाहर जाती है और कॉट पे सो जाती है सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस लेकिन तभी जो है उसके चेहरे पे कुछ गिरता है सो so, पूनम वेकअप एट वंस एंड टच हर चीक तो पूनम जो है उड़ जाती है और अपने है, चीक मतलब गालों को जो है वो टच करके देखती है सो ओ नो हु तो उसे जो है कुछ लगता है अपने गालों के ऊपर तो वो क्या कहती है कि किसका ये काम है सो इट इज द क्रोज आर द पिग्न क्या ये क्रो का काम है या फिर पिगियान का hmm? या फिर कबूतर का ये काम है सो इट सीम इट्स द क्रो तो वो सोचती है कि ये क्रो का ही काम है ठीक है सो hmm? so यहाँ पे जो है एक ट्री दिख रहा है और उस पर हमें बहुत सारे एनिमल बहुत सारे बर्ड्स जो है वो दिख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है पिजियान दिख रहा है क्रो दिख रहा है स्कैरल दिख रहा है बटरफ्लाई मंकी स्पैरो दिख रहा है देन कुकू दिख रहा है तो ये सब जो है हमें दिख रहे हैं सो so, पूनम लुकअप पूनम जो है ऊपर देखती हैं सो शीशा मेनी एनिमल ऑन द ट्री तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स जो है उसे दिखते हैं सो विच एनिमल कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर तो पिक्चर में जो भी एनिमल्स आपको दिख रहे हैं उसे आपको यहाँ पर लिखना है तो हमें कौन से बर्ड्स दिखे हैं वहाँ पर हमें क्रो दिखा था नेक्स्ट देन हमें जो है कुकू दिखा हाँ नेक्स्ट जो है मंकी जो है वो हमें दिखा नेक्स्ट जो है आ, वहाँ पर हमें एंट भी दिखी देन बटरफ्लाई दिखा हमें बटरफ्लाई नेक्स्ट जो है हमें कैरो स्क्वैरल दिखा

जो गिरा हुआ लीफ था पत्ता था उसे उठाया ग्राउंड पर से और अपने चीक को जो है उसने साफ़ किया सो बट हर चीक वॉच स्टील स्टिकी लेकिन तब भी जो है उसका जो चीक है वो स्टिकी लग रहा था उसे सो शी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड तो वो सोचती है कि आसपास के पॉन्ड में जाकर जो है अपना फेस धो ले सो शी गोइंग टू नियर बाय पॉन्ड तो यहाँ पे जो है एक पॉन्ड दिख रहा है और यहाँ पे जो है हमको एनिमल्स दिख रहे हैं जैसे कि गोट दिख रहा है यहाँ पर फ्रॉग दिख रहा है क्रेन दिख रहा है यहाँ पे देन टॉटाइज दिख रहा है हमें बफेलो दिख रहा है तो ये जो है एनिमल्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं सो विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पॉइंट तो, तो पूनम ने जो है वो कौन कौन से एनिमल्स देखे पे? पर तो वो जो है हमें यहाँ पर लिखना है नहीं? जैसे कि हमने देखा कि बफेलो है नेक्स्ट जो है हमें क्रेन दिखा है नेक्स्ट टोर्टाइज दिखा हमें है, नेक्स्ट गोट okay. uh, जो है वो भी दिख रहा है हमें तो दिज एनिमल्स वी सी ऑन दैट पॉइंट ओके नेक्स्ट कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन ऑन द पॉन्ट एट द पॉन्ड क्या हम जो एनिमल्स हमने जो पौंड में देखे थे उस जैसा एक्ट कर सकते हैं सो विच एनिमल मेक्स वॉट काइंड ऑफ अ साउंड कौन से एनिमल जो है वो किस तरह का साउंड जो है वो निकालते हैं सो ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड तो ऐसे सिमिलर साउंड जो है हमें भी hmm? बताने हैं तो so, जैसे डॉग है डॉग से भो भो देन कैट से मै हम नेक्स्ट लायन से हम देन फ्रॉग जो है क्रक क्रक करता है नेक्स्ट गोट है मैं मै करता है देन क्रो जो है काओ काओ करता है देन कुकू यू नो दैट कू ऐसे करता है सो so, ये सब एनिमल्स जो है अलग अलग साउंड जो है वो निकालते हैं डिफरेंट एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलग अलग एनिमल्स जो है अलग अलग तरीके से चल के जो है जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सम एनिमल वॉक कुछ एनिमल जो है वो चल कर जाते हैं जैसे गोट है वो चल कर जाते हैं सम क्राउल hmm? कुछ जो है क्राउल करके जाते हैं जैसे कि स्नेक है सम hmm? फ्लाई hmm? और कुछ जो एनिमल्स uh, है वो फ्लाई करते हैं है, hmm? जैसे हमने देखा uh, कुकू है स्पैरो है क्रो है एंड सम स्विम और कुछ एनिमल्स जो है वो स्विम करते हैं स्विम करते हैं यानी hmm? uh, 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 पानी में जो है तैरते हैं सो फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देअर फिट यूज देयर विंग्स तो इसके लिए जो है कुछ एनिमल अपने पैरों का यूज़ करते हैं जाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे और कुछ जो है अपने विंग्स का मतलब अपने पंखों का यूज़ करता है एंड सम एनिमल इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल्स और कुछ एनिमल जो है अपने टेल हूँ? मतलब उनकी जो टेल होती है उसका जो है वो यूज़ करते हैं सो यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल टू राइट विच ऑफ देम तो आपने भी बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे तो कौन से देखे हैं वो उनको यहाँ पर बताना है जैसे कि कैन फ्लाई फ्लाई करने वाले जो है वो कौन से एनिमल्स होते हैं जैसे हमने देखा क्रो है न? देन आ, है न? ये जो है क्या करते हैं फ्लाई करते हैं स्पैरो स्पैरो है स्पैरो. नेक्स्ट कैन क्राउल क्राउल करने वाले कौन से एनिमल्स होते हैं सो लिजार्ड है न? ट जो है वो क्राउल करता है देन स्नेक है वो क्राउल करता है नेक्स्ट जो है टॉर्टाइज है वो जो है क्राउल करता है ठीक है नेक्स्ट कैन वॉक अब चलने वाले कौन से होते हैं तो वॉक करने वाले काउ है गोट है देन बफेलो है ओके कैन हॉप अब हॉप करने वाले कौन से एनिमल्स है फ्रॉग hmm? है देन hmm? कांगारू uh, है कांगारू नेक्स्ट hmm? uh, जो है हेयर uh, है hmm? तो ये जो है हॉप करते हुए जाते हैं hmm? मतलब जंप uh, लेकर जाते हैं आगे देन हैव विंग्स अब विंग्स किसे होते हैं फिगियान को विंग्स होते हैं नेक्स्ट hmm? जो है क्रो को विंग्स होते हैं नेक्स्ट hmm? uh, जो है uh, स्पैरो को विंग्स होते हैं ओके देन हैव फिट हफ फिट मतलब uh, पैर किसको होते हैं तो काऊ को होता है होते हैं पैर hmm? गोट को होते हैं पैर नेक्स्ट hmm? बियर को होते हैं पैर hmm? तो ये सब जो है फिट वाले एनिमल्स हैं नेक्स्ट जो है हैव अ टेल अब टेल किस एनिमल्स को होती है तो आ, टेल वाले जो एनिमल्स है जैसे कि डॉग है उसको टेल होता है नेक्स्ट जो है मंकी है उसको भी टेल होता है देन काऊ है उसको भी टेल होता है ठीक है तो ऐसे बहुत सारे एनिमल आप भी जानते होंगे तो आप आ, जो है आ, आ, और बहुत सारे एनिमल्स के नाम जो है वो लिख सकते हो सो एनिमल्स हैव इन डिफरेंट प्लेस तो एनिमल्स जो है हमको अलग अलग प्लेस में दिखते हैं ठीक है सम एनिमल्स लिव इन द ट्री कुछ एनिमल्स जो है ट्री के ऊपर रहते हैं सम इन वाटर कुछ वाटर में रहते हैं सम लाइव ऑन लैंड और कुछ जो है लैंड पर होते हैं एंड सम लाइव अंडर द ग्राउंड और कुछ जो है ग्राउंड के अंदर होते हैं जमीन के अंदर एंड सम फ्लाई इन द स्काई और कुछ जो है फ्लाई में आ, कुछ जो है स्काई में फ्लाई करते हुए दिखते हैं एनिमल सो सम एनिमल्स इवन लाई इन अवर हाउसेज कुछ एनिमल्स जो है वो हमारे घर में भी होते हैं हु? ठीक है सो लुक एट द पिक्चर इवन बी लो यहाँ पे जो है पिक्चर दिए हुए हैं कलर द एनिमल्स डैट डू नॉट लिव इन यूर हाउस तो यहाँ पर जितने भी पिक्चर्स दिए हैं उनको देखना है और जो एनिमल्स हमारे घर में नहीं रहते हैं उसी को कलर करना है हमें जैसे हॉर्स जो है हमारे घर में नहीं होता है तो इसे कलर करना है हमें नेक्स्ट एलिफेंट हमारे घर में नहीं होता है तो इसे हमें कलर करना है नेक्स्ट जो है आ, यहाँ पे देखना है आ, एनिमल्स न, जो हमारे घर, न, जो घर में नहीं रहते हैं उसे कलर करना है जैसे फिश है ये जो है हमारे घर में नहीं रहते हैं तो इसको भी जो है हमको कलर करना है दिस बर्ड न, ये भी जो है हमारे घर में नहीं होते हैं न, तो इसलिए उसे भी कलर करना है ठीक है न, तो इस तरह से एनिमल्स देखकर हमें कलर करना है उसे ठीक है हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल कंप्लीट नेम एंड राइट देयर नेम्स बिलो तो यहाँ पे जो है पिक्चर्स बनाए गए हैं लेकिन इनकम्प्लीट है ये तो हमको क्या करना है इस पिक्चर को कंप्लीट करना है और इसका नाम बताना है जैसे इसकी टेल जो है वो निकालना है यहाँ पे जो है उसका इनकम्प्लीट पिक्चर्स दिया हुआ है जैसे ये पैर है उसका तो इसको कंप्लीट करना है और इसको जो है नाम देना है विच एनिमल इज दैट तो जैसे ये फिश है, है? फिश का जो है ये पार्ट जो है वो निकाला नहीं है, है तो इसको कंप्लीट करके उसे नाम देना है ठीक है नेक्स्ट हु एम आई मैं कौन हूँ फाइंड माई नेम्स इन द क्रॉस एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट तो यहाँ पे जो है हमको क्रॉसवर्ड दिया हुआ है तो हमें क्या करना है आ, सर्कल करना है और नाम जो है ढूँढना है सो so, वन एग्जाम्पल हैज़ गिवन तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल एक दिया हुआ है जैसे मंकी बनाना इज वॉट आई लव ईटिंग आई स्पेंड माई टाइम जम्पिंग एंड लिपिंग तो ऐसा एक एनिमल है जो, जिसको बनाना बहुत पसंद है और वो जो है न, आ, जंपिंग करते रहता है एक ट्री से दूसरे ट्री पे तो वो है मंकी है? यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है हुँ? दूसरे जो है हमें यहाँ पर ढूंढना है और फिर लिखना है ठीक है हुँ? तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे दिया है ऑन द वॉल ऑन द वॉल वेब आई वीव वॉल पे मैं जो है वेब तैयार करता हूँ वेर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लिव जहाँ पर जो है इंसेक्ट चिपक जाते हैं और फिर वो जो है उसे खा दे खा लेता है hmm? तो ये क्या हो सकता है इज स्पाइडर hmm? तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है हमें ये स्पाइडर यहाँ पे दिख रहा है hmm? तो इसको जो है हमको hmm? इस तरह से राउंड करना है ठीक है नेक्स्ट जो जो यहाँ पर दिया है आई रिमेन अवेक द होल नाइट मैं जो है रात भर नहीं सोता हूँ एंड गो टू स्लीप इन द बोट डे लाइट और जैसे ही सुबह होती है मैं सो जाता हूँ सो वन इज दैट सो दिस इज़ आउल तो यहाँ पे आउल हमें यहाँ पर दिख रहा है तो उसे हमें यहाँ पर राउंड करना है नेक्स्ट hmm? नेक्स्ट जो, जो है यहाँ पर दिया है क्रॉक 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 इज माई साउंड हम्म hmm. तो ये कॉक क्रॉक कॉक किसका साउंड होता है hmm. हमें पता है फ्रॉक का होता है इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फॉर्म्म मैं पानी में भी रहता हूँ और लैंड पे भी रहता हूँ तो दिस वन इज़ अ फ्रॉक तो फ्रॉक जो है हमें यहाँ पर दिख रहा है hmm. तो इस तरह से हमें जो है यहाँ पर क्रॉसवर्ड फिलअप करना है नेक्स्ट hmm. जो है आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल नो फीट सो आई क्राउल तो मैं जो है रेनफॉल जब आ, हो जाता है तब जो है मैं बाहर आता हूँ हैव नो फिट सो आई क्राउल क्योंकि मुझे पैर नहीं है तो मैं क्राउल करता हूँ hmm? तो कौन सा एनिमल है सो दिस वन इज स्नेल यहाँ पर स्नेल दिया हुआ है स्लो एंड स्टेडी इज माई पेस आई ऑलवेज बीन वेयर वेन देर इज़ अ रेस तो मैं हमेशा स्लो और स्टेडी चलता हूँ लेकिन जब रेस होती है तो मैं विन करता हूँ मैं जीत जाता हूँ तो हम ये जो है हाँ विन करने वाला जो एनिमल है हाँ एकदम स्लो है स्टेडी है लेकिन जब रेस होती है तो वो हमेशा जीतता है हाँ तो ये कौन सा एनिमल है टॉटाइ जो यहाँ पर दिया हुआ है इसे हमें यहाँ पर राउंड करना है तो इस तरह से जो है ये पज़ल जो है हमको सॉल्व करना था ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम सो देर इज़ गिवन वन पिक्चर तो ये जो है आप कर सकते हो हमें क्या करना है कलर जो है वाटर कलर्स लेने हैं और उसको जो है हमारे थम से जो है हमें पहले थम जो है उस कलर में डालना है और इस तरह से जो है वो हमारा थम जो है रख कर ये पिक्चर्स जो है वो बनाने हैं जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये बर्ड जो है वो बनाया गया है दिस वन ये ऐसे थम रख के ही बनाया गया है नेक्स्ट जो है हमारे फिंगर्स का यूज़ करके ही बनाया गया है तो यहाँ पे भी जो है ये मोर देख रहे हो आप ये भी जो है फिंगर से ही बनाया गया है कलर्स जो है वो लगाए गए हैं यहाँ पे जो दिख रहा है एनिमल ये भी जो है फिंगर से बनाया गया है यहाँ पे बटरफ्लाई बनाया है वो भी जो है फिंगर से बनाया गया है हाँ ये देख रहे हो आप ये डॉग जो है वो भी जो है फिंगर से बनाया गया है तो तो ये जो है फिंगर का मैजिक जो है आप भी कर सकते हो कैसे करना है यहाँ पर दिया हुआ है टेक अ लुक एट द पिक्चर कैन यू डिस्टिंग्विश द थम्स प्रिंट फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट तो आप जो देख रहे हो कि थम प्रिंट ही दिया है लेकिन जो है अलग अलग फिंगर का यूज़ करके जो है वो पेंटिंग बनाई गई है तो इन द सेम वे यूजिंग इंक एंड राइट यूजिंग इंक और वाटर कलर मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हूँ इस तरह से जो है हम इंक या फिर वाटर कलर लेकर जो है बहुत सारे पिक्चर्स जो है एनिमल्स के बना सकते हैं मेक पिक्चर्स यूजिंग यूर ओन इमेजिनेशन आपको जो है खुद के इमेजिनेशन से जो है आप अलग अलग पिक्चर्स जो है वो एनिमल्स के बना सकते हो जैसे कि यहाँ पर जो दिए है उसके अलावा भी बना सकते हो डो नॉट कॉपी द वन शो अबाउ कॉपी नहीं करना है मतलब ऊपर के जो दिए है वो छोड़कर बाकी और जो है आपके इमेजिनेशन से आपको बनाना है सो यू कैन यूज द पिक्चर्स यू हैव मेड टू डेकोरेट यूर स्कूल एट होम तो उसको जो है आपको बनाकर हमारे पेरेंट्स को जो है बताना है हा? और टीचर्स uh, को भी बताना है ओके सो इन योर नोटबुक लेट लेटेस्ट हैम फन फिर से यहाँ पर कुछ जो है फ़न हमें दिया हुआ है इन योर नोटबुक आपको क्या करना है नोटबुक लेना है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन आपको जो है हा? किसी भी एनिमल का पिक्चर जो है वहाँ पर ड्रॉ करना है सो so, uh, जो आपने देखा है मेक ग्रुप ऑफ थ्री चिल्ड्रेन तो अभी जो है आपको चिल्ड्रंस uh, का ग्रुप बनाकर इसे आप बना सकते हो ठीक है सो इन ईच ग्रुप वन चाइल्ड विल द फेस एंड नेक ऑफ एन एनिमल एट द टॉप ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाई फोल्डिंग दिस पार्ट ओके तो तीन ग्रुप करने हैं पहले ग्रुप को जो है uh, जो भी फर्स्ट uh, uh, जो बॉय है उसे ऊपर uh, uh, जो है uh, मतलब पेज को थ्री फोल्ड करना है और ऊपर के फोल्ड पे जो है एक बच्चे को जो है तो, मतलब उस एनिमल का फेज बनाना है कोई भी उसे जो भी जो ज, उसने जो भी एनिमल देखा है उसका फेज बनाना है दूसरे को जो है उसने जो भी एनिमल देखा है तो उसका बीच वाला पार्ट बनाना है और तो तीसरे लड़के को जो है उसने जो भी एनिमल्स को देखा है तो उसके जो है नीचे वाला पार्ट वो बनाएगा तो इस तरह से तीन पिक्चर जो है उसे बनाने हैं ठीक है वही यहाँ पर दिया है द सेकेंड चाइल्ड विल ड्रॉ द बॉडी ऑफ अनादर एनिमल इन द सेंटर ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय होल्डिंग द पेपर और उसको छुपा कर रखना है द थर्ड चाइल्ड विल द फीट ऑफ ये अनादर एनिमल अब तीसरा जो लड़का है वो फिट मतलब पैर जो है बनाएगा किसी भी एनिमल्स के सो नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड लुक एट द पिक्चर अब ये जो है फोल्ड करके रखना है हमें और फिर जो है बाद में ओपन करना है तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कि ये अलग सा एक पिक्चर जो है बना हुआ हम हम देख रहे हैं डज इट नॉट लुक लाइक अ फनी एनिमल तो ये जो है एक फ़नी एनिमल दिख रहा है ऊपर जो है एलिफेंट का मुँह है बीच में जो है डग का ये दिख रहा है और नीचे जो है वो किसी दूसरे एनिमल के पैर जो है यहाँ पर दिख रहे हैं तो ये जो है एक फनी एनिमल बना बन गया है ठीक है आल्सो लुक एट द पिक्चर्स मेड बाय योर फ्रेंड इस तरह से जो है सब बच्चों के पिक्चर्स जो है आपको देखने हैं ठीक है स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री आपको क्या करना है कि ट्री के नीचे जो है अपना कुछ टाइम जो है स्पेंड करना है ऑब्जर्व द एनिमल्स और वहाँ पर जो है एनिमल्स जो भी आते हैं उस ट्रीज पे हाँ तो वो केयरफुली दे वॉच करने हैं नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन और जो भी एनिमल्स आपने देखे हैं वो जो है आपको लिखना है ऑन द ब्रांचेस ब्रांचेस पे आपको कौन से कौन से एनिमल्स दिखे वो लिखना है जैसे ब्रांच पे रहने वाले जो है एनिमल uh, पैरोट होते हैं नेक्स्ट जो है क्रो होते हैं मंकी uh, होते हैं ओके ऑन द ऑन द लीव्स जो है uh, वो कौन से होते हैं बीटल है नेक्स्ट जो है कैटरपिलर uh, है कैटरपिलर जो है वो लीव्स के ऊपर रहती है नेक्स्ट ग्रासापर जो है uh, वो भी जो है पत्तों के ऊपर रहती है देन ऑन द ट्रंक पेड़ के ट्रंक के ऊपर कौन से एनिमल्स होते हैं तो वो है स्क्वाल है नेक्स्ट जो है एंट है नेक्स्ट टर्माइट है ये जो है ट्रंक के ऊपर रहते हैं ऑन द ग्राउंड अब ग्राउंड पे रहने वाले कौन से एनिमल है जैसे कि रैट है देन स्नेक है देन रैबिट है ये जो है कहाँ पर रहते हैं जमीन के ऊपर रहते हैं अराउंड द ट्री ट्री के आसपास में कौन से एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ है डॉग है कैट है ये ट्री के आसपास जो है वो रहते हैं ठीक है तो इस तरह से आपको ये एनिमल्स के नाम लिखने हैं नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज स्मोलेस्ट बींग करना है कि एनिमल्स uh, को जो है uh, उनके साइज के हिसाब से जो है यहाँ पर हमें नाम लिखने हैं जैसे कि स्मॉलेस्ट जो है वो फर्स्ट आना चाहिए हम? फिर उससे थोड़ा बड़ा फिर उससे थोड़ा बड़ा इस तरह से जो है एनिमल्स के नाम जो है हमको लिखने हैं जैसे टर्माइट है ये बहुत छोटा होता है छोटा होता है ठीक है देन उससे थोड़ा बड़ा एंट होता है नेक्स्ट जो है बीटल होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है नेक्स्ट जो है कैटरपिलर वो उससे भी थोड़ा बड़ा होता है फिर नेक्स्ट जो है ग्रासापर ये कैटरपिलर से जो है बड़ा होता है नेक्स्ट जो है देन रैट है रैट थोड़ा और बड़ा होता है रैट से भी बड़ा फिर पैरोट होता है वं? ओके पैरोट से भी बड़ा फिर क्या होता है वं? क्रो होता है नेक्स्ट जो है स्क्वाल ठीक है नेक्स्ट जो है स्नैक देन रैबिट रैबिट होता है इसका साइज और बड़ा होता है देन कैट का साइज बड़ा होता है फिर देन कैट से भी बड़ा डॉग होता है डॉग से भी बड़ा फिर मंकी होता है ओके नेक्स्ट जो है क्रो ओके okay? तो इस तरह से जो है हमें एनिमल्स के नाम जो है वो लिखने हैं सो नाउ मेक अ जिग्जैक्ट पज़ल मेक अज एक्जैक्ट पजल यूजिंग द पिक्चर ऑफ एनी एनिमल तो हमको जो है पज़ल तैयार करना है बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स लेकर पेस्ट द पिक्चर ऑन द कार्डबोर्ड हमको जो है सभी जो पिक्चर्स है वो कार्डबोर्ड पर पे पेस्ट करने है नाउ कट द कार्डबोर्ड अलोंग द एजेस ऑफ द पिक्चर और फिर जो है आ, 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 जो भी एनिमल्स हमने उसे मतलब चिपकाए हैं उससे जो है हमको हम, आ, कट करने हैं द एजेस ऑफ द पिक्चर हूँ जैसे कि पिक्चर में दिया है इस तरह से जो है अलग अलग डिज़ाइन निकाल कर हमें उसे हाँ? जो है वो कट करने हैं ठीक है कट दिस कार्डबोर्ड्स इनटू अनइक्वल अन इक्वल अब ये जो है अन पीसेस में हमको कट करने हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे अनइक्वल साइज में जो है हमको उसे कट करना है गिव दिस पीसेस टू योर फ्रेंड और फिर हमें ये सब पीसेस जो है अपने फ्रेंड को देना है और उसे कहना है कि ये पीसेस को करेक्ट ऑर्डर से वो लगाए आज देम टू पुट द पीसेस टुगेदर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल और वो एनिमल जो भी है वो हमें न, न, बताना है उसे वो लगा कर ठीक है तो इस तरह से जो है ये पजल हम कर सकते हैं घर में तैयार तो एक एनिमल जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको तो यहाँ पे जो है ये जो एनिमल है उसको जो है चिपकाया है का कार्डबोर्ड पे और फिर इसे जो है अलग अलग साइज में कट के, कर दिया है उसने तो यहाँ पे दिख रहा है ये अलग अलग साइजेज़ जैसे ये एक साइज़ है इस तरह से कट किया गया है फिर उसको ऐसे अलग अलग साइज में कट करके फिर वो जोड़ना है ठीक है तो इस तरह से पजल जो है हम बना सकते हैं तो, तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन तो यहाँ पे जो है लेसन ख़त्म हो रहा है तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे न? और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव नाइस डे